हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप व्हाट्सएप स्टेटस कैसे बना सकते हैं और कौन से ऐप की मदद से बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आपको वहाँ से दो ऐप डाउनलोड करने हैं, काइन मास्टर और पिक्ट पिक्स ऐप आपको डाउनलोड करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना पिक्ट पिक्स ऐप ओपन करना है और वहाँ से आपके गाने में जो रिलेटेड फ़ोटोज़ है यहाँ से आपको ईजिली मिल जाएंगे। जैसे कि हम यहाँ से डाल देते हैं गल गल कार्टून पीएनजी, गल कार्टून पीएनजी डाल देते हैं। तो दोस्तों, आपको जो उनसे भी रिलेटेड, जैसे कोई लड़की इसमें सैड है तो आपको डाल देना है सैड गर्ल कार्टून पीएनजी। तो आपको यहाँ पर इजीली सारे फोटो मिल जाएंगे जो आपके स्टेटस में आपको नीड है और अच्छी क्वालिटी में मिलेंगे। तो दोस्तों, आप यहाँ से आप इसको सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके से आपके जो गाने से रिलेटेड है वे सभी फ़ोटो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे इस ऐप में। और आपको अपना काइन मास्टर को ओपन करना है और काइन मास्टर से ही जो आपका व्हाट्सएप स्टेटस है वो बनेगा। तो दोस्तों, आपको कोई अच्छा सा बैकग्राउंड डाउनलोड कर लेना है और फिर उसको मीडिया ब्राउज़र में जाकर चूज़ कर लेना है। तो दोस्तों, जैसे कि मैं ये ब्लू वाला कर लेता हूँ चूज़। तो दोस्तों, अब मैं यहाँ पर जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पे क्रॉपिंग का चिन्ह है ऊपर, ये यहाँ पर आपको क्लिक करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये यहाँ पर कटिंग वो क्रॉपिंग का चिन्ह है बीच में, इस पर आपको क्लिक करना है और इसको थोड़ा सा जूम आउट करना है और यहाँ पर इज इक्वल टू का आप साइन देख रहे हैं, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों, जो आपका बैकग्राउंड होगा 29 सेकेंड या 30 सेकेंड का होगा, क्योंकि व्हाट्सएप स्टेटस इतना ही होता है। तो दोस्तों, अब आप यहाँ से जो से भी म्यूज़िक को ऐड करना चाहते हैं आप यहाँ से उस म्यूज़िक को इसमें ऐड कर लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ एक्सपर्ट जट, ये वाला मैंने यहाँ से लगा लिया। तो दोस्तों, अब आपको क्या करना होगा, जो आपने PNGs डाउनलोड की हुई है आपके जो गाने से रिलेटेड है, अब आपको उनको ऐड करना है। आपको मीडिया में जाना होगा, मीडिया में जाकर डाउनलोड्स में जाना होगा जहाँ पे आपने वे डाउनलोड किए हुए हैं। जैसे कि मैं चूज़ कर लेता हूँ, सबसे पहले इसमें मैं एक कार लगा लेता हूँ और इसमें ओवल एनिमेशन डाल देता हूँ, ब्लिंक स्लो इसमें मैं एनिमेशन डाल देता हूँ और जो उसका साइज है वो थोड़ा छोटा कर देता हूँ, साइज थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। और क्या, एक लड़की इसके जड़ में लगा देता हूँ और इसमें इन एनिमेशन डाल दूंगा जो कि पॉप होगा, और इसको इसकी जड़ में लगा के इसके साइज का ही कर देता हूँ। तो दोस्तों, आपको अपने गाने से रिलेटेड जो फोटोज़ हैं यहाँ पर ऐड करने और इनमें एनिमेशन डाल सकते हैं आप, इन एनिमेशन, ओवल एनिमेशन और आउट एनिमेशंस। तो दोस्तों, अब मैं और इसमें फोटो लगा देता हूँ, जैसे कि अब इससे रिलेटेड अगली लाइन है, और इसमें भी मैं एनिमेशन डाल देता हूँ इन एनिमेशन, और इसमें पॉप डाल देता हूँ इन एनिमेशन। थोड़ा सा साइज इसका छोटा ले लेता हूँ और फिर से मैं डाउनलोड्स में जाऊँगा और जो से अगली लाइन से रिलेटेड फोटो है उसको ऐड कर लेता हूँ। तो दोस्तों, आप अपना मनपसंद एनिमेशन डाल सकते हैं। तो मैं इसमें फिर से इन एनिमेशन में पॉप डाल देता हूँ। दोस्तों, आपको मेरी म्यूज़िक की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही होगी क्योंकि मैंने जो मेरे स्क्रीन रिकॉर्डर में उसकी म्यूज़िक की आवाज़ अभी बंद कर रखी है, बट मैं आपको लास्ट में सुना दूंगा। आपको इसी तरीके से ऐड करना होगा उसके रिलेटेड फ़ोटोज़ को, जो कि गाने में रिलेटेड फ़ोटोज़ है उन्हीं को ही आपको ऐड करना है। तो दोस्तों, मैं अगला फोटो भी लगा देता हूँ।
मूवी अरे आए यानी पैर कि जटिए, डायलॉग करे कैर जटिए, मारे पैर टू। जटिए नी तेरी बिल्ली। इसका थोड़ा साइज बड़ा कर लेता हूँ और इसको बिल्कुल नीचे की साइड लगा देता हूँ, और इसमें इन एनिमेशन डाल देता हूँ पॉप। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको अरे क्या आए करना पैर होगा, सभी जटिए, फोटोज करे कैर जो इन गाने से जटिए, मारे रिलेटेड है पैर वो आपको जटिए नी लगा तेरी लेने होंगे, बिल्ली आपको आके किसी जूं, पैरां में पर झील पाई अपने फोटो टैक्स दी। पे सारे जो फोटो है आपको सारी मिल जाएंगे, और आपको इसी तरीके से सारे फोटो तारे लगा आए लेने पैर होंगे। जटिए, करे कैर जटिए, मारे पैर जटिए नी तेरी बिल्ली आके जूं, पैरां में झील पाई अपने फोटो दोस्तों दी। आप देख साडा सकते दिल हैं लुट दी ना मेरे कीते सारे जावे फोटोज टुट मैंने नी, लगा चुके धोले हैं, खांदा अब लाके ये नी। देखिए ओ वो पतासे काफी जहे सारी लाइन बोलना आ उते रही है पोपी मेरी ला फेस ले पे, आ मेरे तू रिएक्शन लोदी में आ फिरे रही है। मस तो के। दोस्तों इसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा, एक बार ये स्टेटस कंप्लीट हो जाए तो। तो दोस्तों अब आपको क्या करना होगा, आपको अपने क्रोम में जाना होगा, क्रोम को ओपन कर लेना है और वहां पर लिखना है एक्सपर्ट जट। तो दोस्तों जो आपके जो भी गाने का नाम होगा आपको वो लिख लेना है एक्सपर्ट जट, जैसे मेरे गाने का नाम है, और इसके लायरिक्स लिख देता हूँ मैं आगे, उसको सर्च कर लेता हूँ, उसकी जो पहली लिंक है उसको ओपन कर लेता हूँ, और जो पहली लाइन है इसकी उसको कॉपी कर लेता हूँ। आपको यहाँ से ही कॉपी करना है, और यहाँ से कॉपी करने के बाद आपको लेयर में जाना होगा और टेक्स्ट पर क्लिक करके यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेना है। तो दोस्तों आप इसमें इमोजीज भी लगा सकते हैं, तो दोस्तों मैं आपको एक आधे लगा के दिखा देता हूँ, जैसे कि मैंने ये वाला इमोजी यहाँ पर लगा दिया, और एक और लगा देता हूँ, उसको ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद जो हमारा फर्स्ट फोटो है उसके साइज के ही मैं जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको उतना ही कर दूंगा, और इसमें कोई फॉन्ट डाल देता हूँ, जो आपका मन है वो आप फॉन्ट डाल सकते हो उसमें, और इन एनिमेशन इसमें मैं लेटर बाय लेटर डाल देता हूँ, और जो इसका साइज है वो छोटा कर लेता हूँ पहले वाले फोटो के जितना। तो दोस्तों इसी तरीके से आप अपनी जो दूसरी लाइन है दूसरी लाइन को कॉपी कर लेंगे, आपको फिर से वहीं पर जाना होगा, और जो सेकंड वाली लाइन है आपको उसको कॉपी कर लेना है, कॉपी करने के बाद फिर से आपको अपनी लेयर में जाना होगा, टेक्स्ट में जाके वहाँ पर आप इसको कॉपी कर लीजिएगा, फिर यहाँ से ओके कीजिए, एक इमोजी मैं इसमें लगा देता हूँ, उसको ओके कीजिए और ऊपर की साइड लगा दीजिए, उसमें मैं फ़ोन डाल देता हूँ, आप अपना मनपसंद डाल लीजिएगा जो भी आपको मन हो, और इसमें इन एनिमेशन डाल देता हूँ मैं लेटर बाय लेटर, और जो उसका साइज है वो सेकंड वाले फोटो जितना कर देता हूँ। तो दोस्तों ये सेकंड वाले फोटो जितने हो चुका है, तो आपको भी उतना ही लाइन वाइज जो आपको गाना सुनना है और जो सी लाइन बोल रहा है उसी के हिसाब से आपको लाइन्स को लगाना है। तो अब मैं थर्ड वाली लाइन को भी इसी तरीके से कॉपी करूँगा, और कॉपी करने के बाद लेयर में जाके टेक्स्ट में जाके फिर से वहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। और इसमें मैं इसका जो साइज है वो थर्ड वाले फ़ोटो के जितना कर देता हूँ, थर्ड वाले फ़ोटो जितना कर दिया, और इसमें मैं फ़ॉन्ट डाल दूँगा फिर से, और इसमें इन एनिमेशन लेटर बाय लेटर। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको सारी जो लाइंस है उनको कॉपी करना है, यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। तो मैं आपको एक लाइन और दिखा देता हूँ, जैसे ये वाली लाइन अब मैंने कॉपी कर ली, फिर से मैं इसको पेस्ट कर लूँगा यहाँ पर आके, और जो कि फोर्थ वाला फोटो है उसके जितने इसका साइज कर लेता हूँ, और ऊपर की साइड लगाकर जो इसका फॉन्ट है वो इसमें फॉन्ट लगा दूंगा मैं
जो आपका मन है वो लगा लीजिएगा, फिर से मैं बता रहा हूँ, और इन एनिमेशन डाल लूँगा मैं इसमें लेटर बाय लेटर। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, इसी तरीके से आपको सारी मतलब जो आपकी सारी लाइन्स है गाने की वो इसी तरीके से लगा लेनी है, यहाँ से कॉपी करनी है और वहाँ पर पेस्ट कर लेनी है। तो दोस्तों मैं आपको लास्ट लाइन बता रहा हूँ, आपको यहाँ से पेस्ट करनी है, और जो उसका साइज है फिर से जो फिफ्थ वाला फोटो है उसके जितने कर लेना है। पहले मैं इसमें फोटो लगा लेता हूँ, इसमें फॉन्ट लगा लिया और इसमें इन एनिमेशन डाल दूंगा लेटर बाय लेटर, और उसका साइज पांचवे फोटो जितना कर दूंगा। तो दोस्तों आप अब देख सकते हैं जो मेरा स्टेटस है वो कंप्लीट हो चुका है, कोई चेंज नहीं हो चुका है। दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों जरूर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।